अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम लोग जा रहे हैं लालाजार। ये सामने आपको रूट नज़र आ रहा है, मैं सही तरह एडजस्ट होके नहीं बैठा। आप ये रूट इंजॉय करें, बाकी की जो बातें हैं वो ही जाके होंगी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा रूट। मेरा दिखाने का मकसद ये था कि अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये रूट किस तरह का है। ये थोड़ा मैं साइड से भी आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के हवाले से ये काफ़ी फर्टाइल है एरिया। यहाँ पर मटर की काश्त देखें, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कल्टीवेशन की हुई है। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं लालाजार। ये मैं आपको दिखाता हूं इसका व्यू। यहां पर ढाबा टाइप होटल भी बने हुए हैं, आप यहां पर आकर नाश्ता भी कर सकते हैं। ये देखें जी दोस्तों, यूनिक पैटर्न में यहाँ पर ट्रीज़ हैं। अच्छा मैं आपको बता रहा था, अगर आप लोग लालाजार आना चाहते हैं तो बट्टाकुंडी से रूट जाता है। बट्टाकुंडी से जीपें ही जाती हैं, 2500 ले लेते हैं, 2000, या मतलब अगर आप बारगेनिंग करवाना चाहें तो थोड़ा बहुत लेस भी कर लेते हैं। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, हमने बात की है और उन ड्राइवर ने हमसे 1500 लिया है।
इस वक्त हम लालाजार पर मौजूद हैं। तो मैं आपको बता दूं बट्टाकुंडी जो है बाबू सरटाप की तरफ अगर आप जाएं नारायण से होते हुए तो रास्ते में स्टॉप आता है बट्टाकुंडी, वहाँ पर रिजॉर्ट भी बने हुए हैं, आप लोग वहाँ पर नाश्ता भी कर सकते हैं। तो ऊपर की तरफ ये रूट जाता है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। ये देखें जी, काफ़ी खूबसूरत जगह है, आप लोगों को भी यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर प्लांटेशन है खूबसूरत, यहाँ पर फ्लावर्स हैं और सामने ये आपको जो पीक नज़र आ रही है, यहाँ पर मारखोर भी पाया जाता है, लोग हंटिंग करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। और उसके पीछे भी एक माउंटेन है जो बर्फ़ से ढका छुपा है। तो नीचे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा इसका। ये देखें जी, काफ़ी खूबसूरत जगह है। छोटा सा झूला भी है, सामने भी एक होटल टाइप बना हुआ है, यहाँ पर भी नाश्ता अवेलेबल है, आप नाश्ता कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं अगर आप आते हैं दोपहर के वक्त आते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने जितने भी ट्रैवलिंग की है, ये भी एक यानी कि टफ ट्रेन रूट था जो लालाजार की तरफ जाता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। कुछ लोग, कुछ फैमिलीज भी यहाँ पर आई हुई हैं, लेकिन जो सामने रिजॉर्ट बना हुआ है वहाँ पर ये सामने जीप मौजूद है जो हम लोगों ने करवाई थी। काफ़ी ठंडी जगह है, नारायण से थोड़ा फासले पे है ये जगह। नीचे मैं जाता हूँ, यहाँ पर मटर की काश्त की हुई है लोगों ने। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये बहुत ही फर्टाइल है एरिया एग्रीकल्चर के हवाले से। ये देखें जी, बहुत ही प्यारा व्यू है। ये जी छोटा सा रिजॉर्ट है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, काफ़ी अच्छी लोकेशन पर बनाया हुआ है इन लोगों ने। ड्रेसेस आप देख सकते हैं, ये इन लोगों ने यहाँ पर बनाए हुए हैं, यहाँ पर आबादियाँ भी मौजूद हैं, लोग भी यहाँ पर रह रहे हैं जो कि अपना राशन इकट्ठा कर लेते हैं जब काफ़ी ज़्यादा टम्परेचर फॉल होता है, दो दो तीन तीन माह का ये राशन ले लेते हैं और यहाँ यहीं ही स्टे करते हैं, तो इनको जाना नहीं पड़ता कहीं। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी है जगह, आप लोगों को भी आना चाहिए, आप देखें इसकी ब्यूटी जो है वो एंजॉय करें। सामने एक पीक है, ये थोड़ा आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो है लोकेशन, इसकी ब्यूटी।
मोस्टली लोगों को नहीं पता लालाजार का, जो आते हैं नारान, आते हैं नारान ही स्टे करते हैं या बाबूसर टाव चले जाते हैं, तो आपको यहाँ भी आना चाहिए। रूट थोड़ा है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन जीप से जाती हैं, इजी रहता है बंदा। होप सो आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत खूबसूरत जगह है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।